सो हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सब टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट रूरल कम्युनिटी एंड द अर्बन कम्युनिटी तो जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में कि टाइप्स ऑफ सॉरी टाइप्स ऑफ सोसाइटी में हम लोग ने पढ़ा था रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी तो सेम वही रूरल कम्युनिटी एंड अरबन कम्युनिटी है बस सोसाइटी को हटा के कम्युनिटी रख देना है बाकी सारी कैरेक्ट्रिस्टिक्स सारी एडवाटेजेस uh, uh, सारे डिसएडवांटेजेस यू कैन से सारे द प्लस एंड द माइनस पॉइंट्स सारे के सारे डिकटॉप सेम है ठीक है तो लेट अस नाउ सी द इंट्रोडक्शन पार्ट तो रूरल सोसाइटी विलेज कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन लिमिटेड फिजिकल एरिया जैसे कि मैंने बोला था कि पॉपुलेशन लेस देन फाइव थाउजेंड होती है तो लिमिटेड फिजिकल एरियाज है एंड कॉमन वेज ऑफ सेटिसफाइंग देम इसमें मैंने बताया था क्या कि सिम्पलिसिटी लेवल होता है तो वही चीज़ में लिखा है वो एफ कॉमन वेज ऑफ सेटिसफाइंग ठीक है साइकोलॉजिकल बॉन्ड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ह्यूमन फिजिकल कंट्रीब्यूट्स तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं आप लोग देख सकते हैं ठीक है ये द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड पीपल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचर एंड वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो ठीक है दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज रूरल कम्युनिटी तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोग को देखना है कि मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है लो डेंसिटी होती है और नेचर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल कनेक्टेड रहते ही हैं तो उस कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं रूरल कम्युनिटी बोलते हैं ठीक है ठेके? तो ये सब पॉइंट्स आप लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप लोग को एक राइटिंग के लिए मैटर मिल जाएगा और आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी तो नाउ लेट इज कम टू द कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी ठीक है अब रूरल कम्युनिटी uh, में अगर हम लोग देखते हैं तो देर इज डॉमी रिलेशनशिप ठीक है तो रिलेशनशिप इनफॉर्मल एंड इंक्लूसिव पीपल फ्रेंक इन देयर एक्सप्रेशन ठीक है अंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी होल्ड देम टूगेदर ठीक है अब वी सी सोशल uh, कॉन्ट्रैक्ट अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट Uh, मतलब सच एज ट्रेडिशन के रूप में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कस्टम्स के रूप में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल्स के रूप में सोशल कॉन्ट्रैक्ट वी सी इन द रूरल एरियाज एंड अब ऑक्युपेशन पे आ जाते हैं तो एज वी ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ठीक है तो मेन ऑक्युपेशन इज़ वॉट मेन ऑक्युपेशन इज़ एग्रीकल्चर ठीक है ऑन जैसे सोसाइटी वी सीन डायनेमिक नेचर तो अब लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट भी हो रहे हैं अब स्पिनिंग हो गया पॉटरी हो गया बिल्डिंग हाउस रिपेयरिंग ब्रिक मेकिंग तो ये सब चीजें भी अब विलेजेस में एज ए ऑक्यूपेशन अब आ रही है ठीक है अब जैसे मैंने बताया था सोसाइटी में सोसाइटी में क्या था टाइप ऑफ सो, रूरल सोसाइटी में कि जॉइंट फैमिलीज़ आर प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज़ तो वही इम्पॉर्टेंस टू फैमिलीज़ है यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत कम रहती हैं जो uh, इसमें रूरल एरियाज़ में, uh, में. ठीक है अब जैसे मैंने uh, उसमें बताया था कि रिलीजन और जो कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं वो सबको रूरल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बट अर्बन एरियाज़ में उतनी इंपॉर्टेंस हम लोग को नहीं दी जाती है ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि वॉट इज कम्युनिटी वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम आता है बट डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी तो आप इजिली डिफरेंस uh, uh, दे सकते हैं ठीक है लो स्टेटस टू वुमेन वी ऑल नो दैट वुमेन्स आर गिवेन लो स्टेटस इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन स्टेटस अर्बन एरिया ठीक है अब ये types of rural community ये आप के सिटी कम्युनिटी द अर्बन रिलीजन वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी इज फाउंड ठीक है जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो तो शहरों में रहती है और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है ना तो वो सब कहाँ पाई जाती है शहरों में पाई जाती है ना तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे अर्बन कम्युनिटी नाउ नाउल कम टू द डेफिनेशन डेफिनेशन यू कैन ऑल सी हेयर यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट और नोट कर लो आप लोग i hope you all have noted down and took the screenshot iska bhi screenshot le lo okay so i hope you all have noted down it so let us now come to the characteristics of urban community पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पहली कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टिस्टिक हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि बहुत कॉम्प्लेक्स है ठीक है द सिटी लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स यहाँ यू कैन राइट दिस फिर सेकेंडरी रिलेशन को यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है अब जैसे विलेजेस में क्या था कि प्राइमरी रिलेशन वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस बट विलेजेस में क्या बट अर्बन एरिया में क्या है कि सेकेंडरी रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड एंड यू कैन सी द लार्ज स्केल डिविज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ठीक है डिवीज़न ऑफ़ लेबर बहुत uh, यहाँ पे अच्छे से दिखता है एवरी वन इज़ एंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सबका ऑक्युपेशन अलग अलग है विलेजेस जैसा हाल नहीं है कि एक ही ऑकुपेशन पे सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ठीक है तो अलग अलग ऑक्युपेशन uh, है लार्ज स्केल है सोशल मोबिलिटी है यू कैन ऑल सी इट इज रिटर्न नोट्स का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीन शॉट एंड नोटेड डाउन द नोट्स अब इसके साथ साथ और करेक्टरिस्टिक क्या आती है कि प्रॉब्लम्स आपको गिना, गिना दो करेक्टिक में एक पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ओवर uh, पॉपुलेशन है पीपल लिव इन वेरी स्मॉल एंड कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है सैनिटेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है ठीक है तो ट्रैफिक uh, जैम्स लगते हैं अर्बन एरिया में एंड कल्चर uh, को लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है रिलीजन को लेस uh, इंपॉर्टेंस दी जाती है न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं अर्बन एरियाज़ में तो ऐसे ऐसे आप लोग काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हो अब जैसे रूरल एरियाज़ का था इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं दी गई है रूरल uh, एरियाज़ में आप लोग क्या लिख सकते हो लैक ऑफ़ इरीगेशन फैसिलिटीज़ पीपल डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्स ऑन एरीगेशन हाईडिंग वेराटी सीड्स की कमी है एंड यू कैन राइट डिजगाइ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है तो ऐसे यू कैन इंक्रीज ऑल योर पॉइंट्स एंड राइट डाउन तो दिस कंप्लीट्स आर टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन कम्युनिटी ठीक है तो ट्यून्ड